बोलो 12th। कितनी है टोटल ट्यूनिंग फोर्क्स है? 25। फर्स्ट, सेकेंड, 25th। हम अगली लाइन पढ़ो तो थोड़ा तो साफ पता लग रहा कि कोई भी दो एडजेसेंट ट्यूनिंग फोर्क्स दे विच बीट फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3 बीट्स पर सेकंड। और इधर जदों आपां असेंड अगे बढ़ते हैं तो फ्रीक्वेंसी घट रही है बढ़ रही घट रही है ना? इहदा मतलब समझो, देखो पुत्र, अगर पहले दी फ्रीक्वेंसी न्यू है तो दूसरे दी पता लगा नहीं हो, जेड़ा तीसरा होएगा उदी होएगी -6 2 into इरा मतलब है कि वो 24 into 6 बन गया। फिर अगली गल जेड़ी टेक्निकल टर्म थानू पता होनी चाहिए पुत्र, तो एक वर्ड आंदा यूनिसन। यूनिसन का मतलब होंदा फ्रीक्वेंसी सेम, ते ऑक्टेव का मतलब होंदा डबल। उन्होंने पता की क्या तुम्हें कि जेडी लास्ट फ्रीक्वेंसी है वो पहली दा ऑक्टेव है। देखो तो यही गया या पहली सॉरी फर्स्ट जेडी पहली फ्रीक्वेंसी है वो लास्ट दा ऑक्टेव डबल, वो भी घट रही है ना। यूनिसन यूनिसन मतलब सेम फ्रीक्वेंसी, मतलब अगर मान को जावे ना कि दो ट्यूनिंग फोर्क्स इन यूनिसन है या दो सोर्सेज ऑफ साउंड इन यूनिसन है, इट मींस दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम। हुन एतो न्यू आ जाओ फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करके फ्रीक्वेंसी डबल है ऑक्टेव में, ऑक्टेव डबल होएगी। हुन सो कॉमन सेंस ही है ना, लास्ट वाले की फ्रीक्वेंसी घट रही है तो लास्ट वाला और पहले वाले एक ऑक्टेव का मतलब पहली वाली फ्रीक्वेंसी ज्यादा वा लास्ट ना हो, और ऑक्टेव है मींस डबल। और तो न्यू निकलाओ फर्स्ट की फ्रीक्वेंसी के नाल टेंथ दी, तो पहले भी 72 है तो टेंथ दी की हो 72 माइनस 27 अच्छा। नेक्स्ट बोलो पुत्र, बोलो बोल कमी। अ स्टैंडिंग वेव सेट अप इन अ मीडियम इज गिवन बाय y इक्वल टू 4 cos pi x बाय 3 y इज इक्वल टू 4 cos pi x बाय 3 cos pi x and
थर्टी पाई टी आई है where x and y are in centimeter and t in seconds, what are the amplitude and velocity of the two component waves which produce this standing wave? Second, what is the distance between adjacent nodes? Third, what is the velocity of the particle of the medium at x equal to 3 centimeter and t equal to 1 by 8 second? एक कंसेप्ट आंदा वा सुना बुद्ध स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव दो वेव्स से मिलन करके बनती है समझेंगे बीट्स भी दो वेव्स से मिलन करके बनती है इंटरफेरेंस भी दो वेव्स से मिलन करके होती है इंटरफेरेंस फिनोमिना दो वेव्स की सुपरपोजिशन करके है बीट्स डिफॉर्मेशन दो वेव्स की सुपरपोजिशन करके है तो स्टैंडिंग वेव दो वेव्स की सुपरपोजिशन करके है पर फर्क की है इंटरफेरेंस के विच जिहड़ियां दो वेव्स है आपां इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पढ़िया वा ना तो इंटरफेरेंस के विच जिहड़ियां दो वेव्स की सुपरपोजिशन हो रही है दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो ठीक है एम्पलीट्यूड सेम हो भी सकता नहीं भी हो सकता बीट्स दे विच दो वेव्स दी फ्रीक्वेंसी च थोड़ा फर्क होता प्रैक्टिकली वो फर्क लेस देन 10 हर्ट्ज का होता और स्टैंडिंग वेव्स दे विच स्टेशनरी वेव्स दे विच जिहड़ियां दो वेव्स सुपरइंपोज हो रही हैं एक तो दोनों दी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी सेम चाहिए है तो दूसरा डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑपोजिट चाहिए डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑपोजिट चाहिए ता स्टैंडिंग वेव्स बनती है ये सारी थ्योरी पढ़ते हैं जो फिर पता लगता हूँ पुत जिदा जी कली वेव है ना वो होंगी है प्रोग्रेसिव वेव क्योंकि कली वेव ने एनर्जी ट्रांसफर करनी है अपने नाल एनर्जी को अगे लैके जदों भी किसी मीडियम दे विच सिंगल वेव एग्जिस्ट करेगी ठीक है तो अगर आप मकैनिकल वेव की गल कर रहे हैं तो सिंगल वेव दे करके उस मीडियम दे हर पार्टिकल ने वाइब्रेट करना हर पार्टिकल की जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है वो सेम होना वा बस ये फर्क होना है कि सिंगल वेव दे कारण जो मीडियम का हर पार्टिकल है ਉਹਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪੋਗੇਸ਼ਨ ਫੇਜ਼ ਘਟਦਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵੇਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵੇਵ ਦੇ ਬਣਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਵੇਵਸ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਸੇਮ ਹੋਣੀ ਪਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪੋਗੇਸ਼ਨ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਣਾ और एम्पलीट्यूड बराबर हो भी सकता नहीं भी बट आप बराबर ही लैके ही चलेंगे और दो जिहड़ियां वेव्स है हुण गल बड़ी इंपॉर्टेंट है सुन लो ध्यान नाल स्टैंडिंग वेव दे बनन तो बाद मीडियम दे अंदर हर पार्टिकल दी वाइब्रेशन दा एम्पलीट्यूड सेम नहीं हुंदा जदों स्टैंडिंग वेव बन गई तां मीडियम दे कुछ पार्टिकल्स है जिन्हां दा एम्पलीट्यूड जीरो ही है परमानेंट एड्रेस्ट उना जगह नूं असीं कहिंदे आ नोड्स ते कुछ पार्टिकल्स होणगे जिन्हां दा एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होएगा उना नूं असीं कहिंदे आ एंटी नोड्स दो नोड्स दे विचली दूरी लैम्डा बाय 2 हुंदी है दो एंटी नोड्स दे विचली दूरी मिनिमम दूरी लैम्डा बाय 2 हुंदी है और नोड और एंटी नोड दे विचली दूरी लैम्डा बाय 4 हुंदी है समझ आई गल और ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਜਾਂ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵੇਵ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪੁੱਤ ਆ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਜਾਂ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵੇਵ ਨੂੰ ਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ इस फॉर्म च होएगा
ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵੇਵ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੇ ਹੈ ਔਰ ਕੇ 2 ਪਾਈ ਬਾਈ ਲੈਂਡਾ ਵਾ ਤਾਂ ਲੈਂਡਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 6 ਆ ਗਈ ਔਰ ਓਮੇਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਇਸ ਫਾਰਮ ਚ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ R sin omega t plus kx plus R sin omega t minus kx देखो ता इदी expansion आही नहीं बनू देखो बेटा कि नहीं इना दो terms नू मिला के आही बनू ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੇਵ ਹੈ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵੇਵ ਹੈ 2 ਸਾਈਨ 40 ਪਾਈ ਟੀ ਪਲੱਸ ਪਾਈ ਬਾਈ 3 ਐਕਸ ਤੇ ਦੂਜੀ ਹੈ 2 ਸਾਈਨ 40 ਪਾਈ ਟੀ ਮਾਈਨਸ ਆ ਦੋ ਵੇਵ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਵੇਵ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਨਾ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦੀ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵੇਵਸ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ ਕੀ ਹੈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬੀਟਵੀਨ ਐਡਜਸਟਡ ਨੋਡ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਲੈਂਡਾ ਬਾਏ 2 ਹੋਰ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਦ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆਫ ਮੀਡੀਅਮ ਐਟ x 3 ਐਂਡ ਟਾਈਮ 1/8 ਸੈਕਿੰਡ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੇਵ ਨੂੰ y ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ y ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤੋਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ y ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਤਾਂ x ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਹੈ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਕਨਸਟੈਂਟ ਹੈ ਦੂਜੀ ਟਰਮ ਹੈ ਟਾਈਮ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ 4 cos pi by 3x ਤੇ sin ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋ 40 pi t into 40 pi ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ x ਔਰ t ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ x ਵੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਟੀ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ ਗਈ
नेक्स्ट बोलो वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 60 सेंटीमीटर फिक्स्ड एट बोथ एंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन y इज इक्वल टू 4 sin pi x by 15 cos 96 pi t where x and y are in centimeters t in seconds what is the maximum displacement of a point at x equal to 5 centimeter second where are the nodes located along the string third what is the velocity of particle at x equal to 7.5 centimeter and t equal to 0.25 second fourth write down the equations of component waves whose superposition gives the above wave हाँ देखो फिर यही कंसेप्ट आ गया ये भी फोर साइन है ना दो कंपोनेंट वेव्स निकल आ गया तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट एट एक्स इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर ठीक है तो कंपोनेंट वेव्स का हो गया आर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स वाई टू आर साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स यही हो गया कंपोनेंट वेव्स ठीक है अच्छा दूसरा आज भी टर्म है ध्यान दियो जो स्टैंडिंग वेव की गल करते हैं ना तो गिवन टाइम पे अलग अलग पार्टिकल्स की डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होंगी गिवन टाइम का मतलब आ टर्म फिक्स हो गई तो हर पार्टिकल ही एक्स अलग है तो वाई की वैल्यू भी अलग अलग है पहली गल उस तो उल्ट भी अगर आप गिवन पोजीशन की गल करते हैं गिवन पोजीशन की तो गिवन पोजीशन पे पार्टिकल मीन पोजीशन पे होएगा कि एक्सट्रीम पे पहुंचेगा है ना वो टाइम पे डिपेंड करेगा क्योंकि गिवन पोजीशन पे जो पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह पे होएगा कभी एक्सट्रीम पे भी होएगा कभी मीन पे भी होएगा हुन इहदा मतलब भी जेड़ा तुहाडा पार्टिकल है आ इहदी टर्म है ना अगली टर्म 4 साइन पाई एक्स बाय 15 ए जेड़ी टर्म है ए की दस रही है कादे ते डिपेंडेंट है एक्स ते डिपेंडेंट है ना और गिवन टाइम पे हर पार्टिकल का एक्स अलग है तो ये टर्म अलग होएगी यही मैं दस रहा और गिवन एक्स लई आ टर्म अलग अलग टाइम लई डिफरेंट होएगी है ना पर जदों आ टर्म मैक्सिमम हो गई ठीक है तो इट मींस उस वक्त की होएगा उस एक्स वाली जगह पे पार्टिकल कितने होएगा मैक्सिमम हाइट कह लो या डिस्प्लेसमेंट पे होएगा समझ आई गल तो इट मींस जदों असी एम्पलीट्यूड निकालना किसी भी पार्टिकल का क्योंकि तुहानू मैं दस्या ही जदों स्टैंडिंग वेव बनती है ना
तो हर पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा, पर हर पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है अलग अलग है। तो स्टैंडिंग वेव के विच एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन जरा वो फार्मूला होंगे फोर हवाली टर्म ते नाल एक्स वाली वैल्यू। हम तुसी केड़े पार्टिकल का एम्पलीट्यूड कढ़ना वाइब्रेशन वाला जेदी एक्स किन्नी दित्ती तुहानू पहला पार्ट 5 सेंटीमीटर तो इहदे विच 5 पुट करो तो 5 बाय 3 हो गया 60 साइन 60 रूट 3 बाय 2 2 रूट 3 सेंटीमीटर आंसर आ गया। ये एम्पलीट्यूड वाली बात से बच्चे बता दो कि 4 sin pi x by 15 है, ये x पे डिपेंड करेगा, उसके बाद cos 96 pi t है ना, तो आज 96 pi तो ओमेगा है, 96 pi तो हमने ओमेगा दिया है, हाँ, तो अगर वो मैक्सिमम और एंगल ओमेगा भी बनाना चाहिए, ओमेगा नहीं ओमेगा t एंगल, टाइम बदलना, ओमेगा तो फिक्स है, ओमेगा t में जीरो होना चाहिए, टर्म ए है, ए लिखी की लिखा 2r, हां ओनली 2r है, 2r इनटू x वाली जेडी टर्म है, x वाली टर्म चार है, केडी केडी है देख लो, पहले जो साइन होनी है, दूसरे जो cos है, तीसरे जो चौथे जो, तो वो जेडी टर्म है ना 2r इनटू x वाली जेडी पूरी टर्म है साइन cos वाली, ओदी मल्टीप्लिकेशन एम्पलीट्यूड है गिवन पोजीशन दे पार्टिकल, तो वो आपा कढ़ना, हुन आपा केड़े पार्टिकल दा एम्पलीट्यूड कढ़ना सी जेदी एक्स दा पूरी टर्म आ गई, ए याद करना इनटू 2 आ नाल 2 आ गई ओ 4 ए मतलब ने किस तरीके से सोचा चाहिए कि ए एम्पलीट्यूड होगा क्योंकि उस वक्त cos 96 पाई भी के लिए आ गई प्लस 1 प्लस 1 तो जो आ टर्म वन है मैक्सिमम, तो आ टर्म की हो गई मैक्सिमम, तो मैक्सिमम वाई को की कहने एम्पलीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू में एम्पलीट्यूड ओमेगा ए होती है, उसको बोलते हैं ओमेगा ए, वो तो एंगुलर वेलोसिटी का होता ना, अच्छा हां ठीक है, मिक्स ना करना डिस्प्लेसमेंट द मैक्सिमम वैल्यू नु एम्पलीट्यूड कहने ओमेगा ए वेलोसिटी एम्पलीट्यूड है, ओमेगा स्क्वायर ए एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड। और बोलो वेयर आर द नोड्स लोकेटेड, हां हुन जदों नोड्स लेनिया वा, नोड्स दा मतलब हुंदा जिन्हां दा एम्पलीट्यूड जीरो है, हुन देखो हुन एम्पलीट्यूड जीरो होण दा मतलब ए जीरो होना चाहिए उठे, तो हुन ए जीरो कदों होगा जदों साइन दी वैल्यू या जीरो होए या पाई होए या टू पाई होए या थ्री पाई होए या फोर पाई होए या फाइव पाई होए या एन पाई होए, इसका मतलब आ टर्म की होनी चाहिए है एन पाई, इट मींस एक्स की वैल्यू तो एन वन टू थ्री इंटीजर है ना, इस केस च नोड्स कितने कितने बनेंगे, एक तो एक्स जीरो पे बनेगी, दूसरा 15 सेंटीमीटर पे, तीसरा 30 सेंटीमीटर पे, चौथा है ना, ये अलग अलग जगह है,
नेक्स्ट बोलो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट x 7.5 एंड t 0.25 सेकंड व्हाट इज द वेलोसिटी यदि इस इक्वेशन का पार्ट है हां वेलोसिटी कटनी है तो y को की कर लेना टाइम देना डिफरेंशिएट ते x की वैल्यू पुट कर दो बोलो नेक्स्ट बोलो At t equal to zero, a transverse wave pulse in a wire is described by the function y equal to 6 by x square minus 3, where x and y are in meter. The function y, bracket x comma t that describes this wave equation, if it is traveling in positive x direction with a speed of 4.5 meter per second is. देखो बेटा वो कहता है जदों का टाइम जीरो है तो उस वक्त जड़ी वेव पल्स है उन्हें डिस्क्राइब करने वाला फार्मूला है 6 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3 बट एट एनी टाइम टी वाई की वैल्यू की होनी चाहिए हम इधर च नीचे चार ऑप्शंस दितियां हुई हैं और उन्हें साफ साफ लिखा हुआ कि जड़ी वेव है वो दी स्पीड तो है 4.5 मीटर पर सेकेंड और उसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है पॉजिटिव एक्स है ना हुन जितने चार ऑप्शंस है उधर आ देखो गल तो समझा ले y is equal to 6 ओवर x plus 4.5 t स्क्वायर माइनस 3 बना देखो दूसरा बोल दे b is equal to y is equal to 6 over b bar y is equal to 6 over bracket में x minus 4.5 t whole square plus 3 and c 6 divided by bracket में x plus 4.5 t whole square plus 3 6 over bracket में x minus 5 मतलब एक गल का क्लियर है वेलोसिटी जिहड़ी है ओमेगा वा के वो तो सारे लिए सेम ही है इन्हें तो साड़ी कोई हेल्प नहीं की थी भी केड़ा सिलेक्ट करी है ना दूजा डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन पॉजिटिव है जे इन्हों देखोगे तो जब तो टी इंक्रीज करेगा तो एक्स नो डिक्रीज होना पड़ना क्योंकि फेज ने की रहना कांस्टेंट ये नेगेटिव एक्स दे रहा और हाँ टी इंक्रीज करेगा तो एक्स नो भी इंक्रीज करना पड़ना ये केड़ा दे रहा पॉजिटिव ये ठीक है हल निकाली नहीं करनी आ नहीं आ है दोहा चो केड़ा होएगा तो इन एदे और एदे विच t0 पुट करके देखो एदे च और एदे च t0 पुट करो x2 plus 3 x2 minus 3 जद कि सानू इट मीन आ करेक्ट है समझ आई गल इतना सिलेक्ट करना है